शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आशी जी सॉरी, गलती हो गई। आशी, आशी सुनिए, जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। आशी, हम आपकी मदद करना चाहते थे। हम नहीं ये सब जानते कि ये सब किसने किया और कैसे किया, बस इतना कह सकते हैं कि आप जाके सिद्ध को सॉरी बोलिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अरे वो अच्छा लड़का है, ये जिसने भी किया है हम उसको धूल चका के रहेंगे, हम उसको तुम्हारे पैरों के नीचे ला के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन एक बार जाके सिद्ध को सॉरी बोल दो। बिल्कुल भी नहीं आशी, एक बार जाके उसको सॉरी बोल दो और ये मामला वहीं रफा दफा कर दो। माना कि तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानती हो, लेकिन अब हम पे इतना भरोसा तो कर ही सकती हो ना कि हम तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। आज स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है शाम को हॉल में, आज सबके आगे सेठ को सॉरी बोल दो और ये मामला वहीं निपटा दो। संदीप हमसे सेठ से बार बार माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? ओए, वहाँ कॉलेज में इतना सब कुछ हुआ और यहाँ पर तू अपने नेल्स पॉलिश कर रही है। इसे कलर थेरेपी कहते हैं। ये मेरा तरीका है टेंशन कम करने का। अगर आशी का ऐसे ही ड्रामा चलता रहा ना तो मुझे मानसिक थेरेपी जरूर लेनी पड़ जाएगी। फैशन की ये चलती फिरती दुकान तो बंद ही हो जाएगी। क्या चल रहा है भाई? हमारी दोनों बेटियां क्या बातें कर रही है, हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं मॉम। तुम दोनों कॉलेज से तो आ गए, लेकिन वो महारानी कहाँ है? आशी, अरे भाई क्या बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैड, मॉम पूछ रहे थे कि आशी अभी तक क्यों नहीं आई और हम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए कॉलेज से। वो एक्चुअली अपने प्ले की रिहर्सल्स के लिए रुकी थी, जैसे ही खत्म हो जाएगी आ जाएगी। और लेकिन प्ले की रिहर्सल खत्म करके वो अब तक आ जाती है, आई क्यों नहीं अभी तक? अब मैं फोन ट्राई करता हूँ। हेलो। हाँ आशी बेटा, कहाँ हो तुम? जी बाबा, वो आज ना स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है, हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से आना। हाँ वो एक्चुअली उसके स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है, वो अटेंड करके आएगी। उस मीटिंग में तो तुम दोनों को भी जाना था। बाबा हम दोनों सारे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के लिए हमेशा रुकते हैं, लेकिन आज ना ऐसी कोई मीटिंग थी ही नहीं। आपकी लाडली आशी ना आपसे झूठ कह रही है। हमारी आशी हमसे झूठ नहीं बोल सकती। इस आशी के बहुत पर निकल आए हैं, पता नहीं अब कौन सा गुल खिलाने वाली है। ये सब क्या है संदीप? ये रोजेस, कैंडल्स, बलून्स और बाकी सब लोग कहाँ पे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। अरे आशी जी, वो सेजल वाले ग्रुप का ना रोमियो जूलियट का प्ले होने वाला है, तो उसकी रिहर्सल करने वाले हैं, इसलिए ये सब। रुकिए, हम फोन करके देखते हैं ना, एक बार ट्राई करते हैं। कमबख्त ये मोबाइल, जब देखो इसका नेटवर्क ही चला जाता है। आशी जी जरा अपना फोन दे दीजिए। अरे एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। दीजिए प्लीज। मैंने इस मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दिया, अब कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, मेरा रास्ता साफ है। अरे कहाँ हो तुम लोग? हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। आशी जी अपना फोन लीजिए। सब आती होंगे, अभी जस्ट बात की हमने। आइए बैठिए। तो नहीं, हम ठीक है। आशी ने इतना बड़ा झूठ बोला, ऐसे कैसे? आशी को फोन लगा कर देखते। फोन बंद आ रहा है इसका, कमाल है। महारानी अपना फोन बंद करके बैठी हुई है, क्या बात है। हेलो। अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे आशी तुम्हारी बहन आज कॉलेज में रोमांस कर रही है, वो भी बंद कमरों में। क्या मॉम, वो आशी? क्या हुआ? कहाँ
कहाँ रह गए सब? आशी जी सब आती ही होंगे, हमने तो आपके फोन से अभी तो बात की थी थोड़ी देर पहले। ये गेट कैसे बंद हुआ? क्या हुआ, नहीं खुल रहा है क्या दरवाजा? लाओ रुको, एक बार हम ट्राई करते हैं। अरे लगता है हवा से जाम हो गया होगा इसलिए नहीं खुल रहा है। रुको संदीप, पीछे हटो। वैसे तो बड़ी भोली भाली सीधी साधी बनती है, फिर आज तो ये भी कांड कर गई। क्या हो रहा है विकास? जो होना था वो हो गया। संदीप और आशी दोनों अकेले कमरे में। बाबा, आप लोग संदीप, बाबा कहा कि आप लोग जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। अरे आशी एकदम सही कह रही है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे आप लोग गलत मत समझिए, हमारे बीच में प्यार व्यार कुछ भी नहीं है। ये सब की बात, ये सब तो एक फन था, ये तो आजकल नॉर्मल है ना। संदीप, संदीप क्या बोल रहे हो तुम? बाबा काकी ये झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। संदीप तुम बाबा हमारा विश्वास कीजिए, काकी हमारे बीच में बस बात सुन लिया, अब और कुछ देखना सुनना बाकी है। तूने नाम से तुम्हारी हाथ और हिम्मत दोनों तोड़ के रख देंगे। जरा सा हाथ क्या लग गया था हमारा, तुमने तो हमें धक्का ही दे दिया था, अब ये हमारा धक्का भुगतो हैं? अब आपकी इजाजत हो तो घर चले, हमें और कंध में नहीं रहना। काकी, बाबा हमारा विश्वास कीजिए, बाबा ये झूठ बोल रहे हैं। संदीप बाबा, आपने जो देखा वो कुछ सही नहीं था, बाबा हमारा विश्वास कीजिए, ताकि प्लीज हमारी बात तो सुनिए एक बार। बाबा हमारी बात सुनिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, वो संदीप, संदीप झूठ बोल रहा है, वो हमें अपने जाल में फंसा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, ताकि प्लीज, ताकि प्लीज हमारी बाबा। आपको हमारी कसम, इस लड़की की तरफ एक कदम मत बढ़ाना, बहुत बेइज्जत कर चुकी है हमें, हम अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप चलिए यहाँ से। मामा, मामा। अरे अकेले एक लड़के के साथ एक कमरे में थी और बोलती है कुछ नहीं किया, अंदर के आरती उतार रहे थे तुम लोग। अरे सिर्फ फन के लिए था तो हमने कौन सा गुनाह किया? ऐसी लड़कियों की वजह से हमारा नाम भी खराब होता है।